यह विवाद शुरू होता है छोटे से पोस्ट से, जब हमारे नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया अपने सारे सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप से रिलेटेड, जो 4 जनवरी 2024 को किया गया। और इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी एक शब्द मालदीव के बारे में नहीं लिखा, यानी मालदीव का तो नामो निशान भी नहीं है इस शब्द में। फिर भी मालदीव के 3 मिनिस्टर को बहुत ही बुरा लगा, उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में बहुत गलत ट्वीट किया और यह ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और इस ट्वीट को इंडियन वासी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, उन्होंने इस ट्वीट को अपने दिल पर ले लिया। तुरंत 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई जो कि ऑलरेडी बुक थी मालदीव के लिए। और यह टिकट जो कैंसिल हुआ इसे मालदीव को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि मालदीव की 30% इकोनॉमी हमारे इंडियन वासी की वजह से ही चलता है। पर अब इंडिया के बहुत सारे एक्टर एंड यूट्यूबर है जो लक्षद्वीप की खूबसूरती को दिखा रहे हैं एंड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। और बात सही है कि हमें इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे प्लेस है जहाँ पे हमें घूमना चाहिए। तो चलो बताओ इस बार कौन कौन लक्षद्वीप जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर एंड एक्टर जो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं लक्षद्वीप जाने के लिए। और ये छोटी सी गलती जैसे मालदीव का अच्छा खासा टूरिज्म तो खराब हो गया, क्योंकि मालदीव के जो 3 मिनिस्टर थे जो इंडिया के बारे में गलत ट्वीट किया, वो तो ट्वीट अभी चला नहीं लेकिन अब चल रहा है #BoycottMaldives, जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि मालदीव की एक छोटी सी गलती जो कि उस पर ही भारी पड़ गई। और एक बात मैं आपको बता दूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक सच्चे इंडियन वासी हो तो आपको जानना चाहिए कि पिछले साल 5000 शादियां जो कि अदर कंट्री में हुई है, और इन शादियों में जो खर्चा हुआ है 50,000 करोड़ का खर्चा हो गया है, और इसे इंडिया को एक पैसा का फायदा नहीं हुआ, अदर कंट्री को तो फायदा हो गया। तो हमें शादी इंडिया के बाहर नहीं इंडिया के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाएगा, इंडिया का पैसा बाहर हमें नहीं देना है। तो यार बहुत सारे यूट्यूबर है एंड बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी शादियों को बाहर कंट्री में करते हैं, तो आप लोग इंडिया में करो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, क्योंकि हमें इंडिया का पैसा इंडिया में ही रखना है।